घटिया, वाहियार या फिर आप कहें एकदम दोयम दर्जे की अनाड़ी वाली, अगर आप कहें जहां जो वर्ड आप यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। इस तरह की कप्तानी हुई है विराट कोहली की तरफ से। जी हाँ, बहुत हो गया डिफेंड करना, बहुत हो गया दूसरे प्लेयरों पे ढालना, इसकी वजह से हारे, उसकी वजह से हारे, इसकी वजह से हारे, कप्तान चेंज कर दो, बहुत हो गया। आप इस कप्तान के बस का नहीं है ये कोई कोई भी कप जिता सके, ये क्यों? क्योंकि ये खुद ही आईसीसी नॉक्स में नहीं चलते हैं। दूसरी टीम के कप्तान 5 घंटे बैटिंग करके 49 रन मारते हैं, ये हमारी टीम के कप्तान कोई नहीं बोलेगा, सब डिफेंड करेंगे, अभी भी सब डिफेंड करेंगे। ये सारा जो दोष है वो जाएगा ऋषभ पंत के ऊपर, वो जाएगा पुजारा के ऊपर, कहेंगे पुजारा ने कैच छोड़ दिया, बुमराह से विकेट नहीं हुए, सबका दोष दिया जाएगा, लेकिन वहां बैठे हैं उनका कोई दोष नहीं जाएगा। वो पेट फुलाए रवि शास्त्री सर कोच जो बैठे हुए हैं वहां पे, वो किस बात के कोच है जो उनके पीछे जो लाइन से खड़े थे, अगर आप मैच देख रहे थे उनके पीछे जो लाइन से खड़े थे 3-4 जो कोच सर थे, वो रियल में मेहनत करते हैं, ये फालतू में अपना वहां बैठ के मुफ्त में तोड़ रहे हैं रोटियां और नाम दे दिया है अपने आप को कोच का। हाथ जोड़ता हूं इस टीम के, इस टीम को मत बोलिएगा कि ये टीम ऐसा खेली वैसा खेली, आप जिम्मेदार हैं इसके। मैं हाथ जोड़ रहा हूं विराट कोहली, आपसे कह रहा हूं आप जिम्मेदार हैं सिर्फ। जी हाँ, यहाँ पे पुजारा, रहाणे ऑस्ट्रेलिया में भी थे, यही वो बुमराह ऑस्ट्रेलिया में थे, यही वो अश्विन ऑस्ट्रेलिया में थे, वो पंत अश्विन को लगातार ओवर दिया था रहाणे ने, बताने के लिए बहुत कुछ है, पंत को ऊपर भेजा था रहाणे ने, वो है रहाणे। और जहां बात है कप्तानी की, तो एक से बढ़कर एक पॉइंट हम आपको गिनाएंगे और विद प्रूफ बताएंगे कि आपको कि कहां कहां पे इन सब सो कॉल्ड ओवररेटेड कप्तान ने कितनी गलतियां करी हैं, वो आपको जरूर बताएंगे। अगली वीडियोस में हम लेके आ रहे हैं थोड़ा थर्ड लाइन से पूरी इस WTC फाइनल के ऊपर एनालिसिस के लिए, लेकिन इस वक्त मन ऐसा हो रखा है कि कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि इस तरह की वाहियात कप्तान बिल्कुल नहीं। आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? 3 मैचों की सीरीज होगी ना। जी हाँ, अब उठेगा, अचानक से उठेगा, हमारे भारतीय कोच कहेंगे, रवि शास्त्री कहेंगे, वैष्णव कोहली कहेंगे, जी हाँ बिल्कुल सही, बेस्ट ऑफ थ्री, फैंस पागल हो जाएंगे, बेस्ट ऑफ थ्री होना चाहिए था, ये कैसा रूल बनाया है, क्या है ना, एक मैच से आपसे संभाली नहीं जाती, आप ड्रॉ कराए हुए मैच को हार जाते हैं और आप कहते हैं कि 3 मैच की सीरीज होनी चाहिए। अगर हम जीत जाते आज का मैच तो किसी का मुंह नहीं खुलता बेस्ट ऑफ थ्री के लिए, यही तो है डबल स्टैंडर्ड। बिल्कुल, जैसे ही आप मैच हारे आप सारा दोष निकाल देंगे रेन पे, आईसीसी के इवेंट्स पे, आईसीसी के पे, दुनिया भर की उस पे, थ्री बेस्ट ऑफ थ्री होना चाहिए, मतलब सारे पंथ पे सारे बहाने रेडी हो जाएंगे, लेकिन किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि सामने से बोल सके कि हाँ हमने ये गलती करी है। हमने अपने वीडियो में, हमने अपने चैनल में भी कहा था कि क्रिकेटर्स क्रिटिसिज्म लेने में इनकी हवा निकलती है। बिल्कुल, मुझे भी ये देखना है कि विराट आगे आके कहें हाँ मैंने रेड नहीं चला, मुझसे गलती हुई, हाँ मैंने लेट डाउन किया है टीम को, कि मैंने परफॉर्मेंस नहीं की है। बड़े बड़े प्लेयर नॉकआउट पे आके चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के स्मिथ सेमीफाइनल में 85 मारते हैं, केन विलियमसन नॉकआउट में आके चलते हैं, लेकिन हमारे प्लेयर हैं, हमारे कप्तान हैं जो नॉकआउट छोड़िए, जैसे ही सेमीफाइनल फाइनल का नाम आता है इतने टॉप टॉप प्लेयर घर में जाके बैठ जाते हैं। बिल्कुल, पूरी सीरीज पूरे 3 साल बुमराह का जलवा रहता है, एक यहाँ पे जहां जरूरत है हमारे देश को वहां बुमराह नहीं चलते, वहां विराट कोहली नहीं चलते, केन विलियमसन अकेले अपने बोझ पे पहली इनिंग पे लेते हैं और टीम के साथ मिलके कैलेंडर के साथ वो करके दिखा देते हैं, जो लीड जो उन्होंने ली है ना वही हमारे भारत लीड है। हार की बहुत सारी वजह है लेकिन सबसे बड़ी जो वजह है वो कप्तानी की है। बिल्कुल, इससे पहले कि आप ये बोलें कि कौन सी कप्तानी में गलती हो गई, वो सारी वीडियोस आएंगी एक के बाद एक, आएंगी सारी प्रूफ के साथ आएंगी विद एनालिसिस और इनसाइट्स के साथ हम आएंगे आपको और दिखाएंगे किस तरह की गलतियां विराट कोहली ने एज अ कैप्टन करी है। सबसे पहली गलती तो बहुत सारी है, यदि वो सारी गलतियां आपको एक साथ लेके आएंगे, कहीं भागने नहीं वाले हम, यही डेडिकेटेड चैनल है, यहीं पर रहने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक कप्तानी और बहुत ही शर्मनाक हार। जी हाँ, क्योंकि ये हार 8 विकेट से है, क्योंकि ये हार 3 दिन की बारिश के बाद मिली है, क्योंकि ये हार ड्रॉ से होते हुए हार तक पहुंचे हैं, ये हुआ है। उनके टेलेंडर्स 100 करीब रन मार देते हैं, हमारे टेलेंडर्स आज भी 20-25 रन 15 रन के अंदर ढेर हो जाते हैं, एक एक बॉल के मेहमान होते हैं, इस तरह का हाल है, बहुत ही शर्मनाक है। कुछ नहीं कहना है, बस कुछ नहीं कहना, छोड़िए।